हेलो दोस्तों दोस्तों इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रही है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये समय जो विपत्ति काल का है, इस ये एक अवसर भी है। अवसर है खुद को पहचानने का, अवसर है खुद को जानने का, और अवसर है खुद को तराशने का। इस समय का सदुपयोग किया जा सकता है, और एक मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसे बोलते हैं दोस्तों स्ट्रैटेजिक हाइबरनेशन। यस यू हर्ड इट राइट, स्ट्रैटेजिक हाइबरनेशन, रणनीतिक तौर से पीछे हट जाना, रणनीतिक तौर से पीछे हट जाना, स्ट्रैटेजिकली पीछे हट जाना। स्ट्रैटेजिक हाइबरनेशन ये बायोलॉजिकल टर्म और एक मैनेजमेंट टर्म का कॉम्बिनेशन है। कुछ बहुत सारे जानवर जैसे पोलर बियर्स या फिर हम बोले बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, वो स्ट्रैटेजिकली हाइबरनेट कर देते हैं। जब एनवायरनमेंट बहुत बहुत अनफ्रेंडली, बहुत हॉस्टाइल होता है, तो वो थोड़े समय के लिए पीछे हट जाते हैं और अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, और फिर वापस से वो बाउंस बैक करते हैं। युद्ध की रणनीति भी है जिसे बोलते हैं स्ट्रैटेजिक हाइबरनेशन, पीछे हट जाना कुछ समय के लिए, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, पीछे हटने की रणनीति, और फिर जब सही समय आए तो वापस परिवेश में आ जाना, युद्ध स्तर पर आ जाना। आज ये समय है स्ट्रैटेजिकली हाइबरनेट करने का, खुद को पहचानने का। और क्या खूब कहा किसी ने कि जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। अय हाय, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। पर आज मुलाकात का समय है कहां? दिन भर तो भागते दौड़ते रहते हैं। जिंदगी की इस दौड़ में दौड़कर करना क्या है? अगर यही है जीना, तो फिर मरना क्या है? तो ये समय है यार, आइए थोड़ा सा पीछे हटते हैं, आइए थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली हाइबरनेट करते हैं और खुद को रीइन्वेंट करते हैं। और बहुत सारी संभावनाएं जो सुप्त ऊर्जाओं के रूप में हमारे अंदर एक सीमित दायरे में बंद हैं, उनको सामने लाते हैं। पर उसके लिए थोड़ा सा अपने लिए, खुद के लिए समय निकालना होगा। समझाता हूं एक मैनेजमेंट की केस स्टडी से, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों टीटी के इंडस्ट्रीज का नाम शायद आपने पहले सुना हो या ना सुना हो, पर प्रेस्टीज प्रेशर कुकर का नाम आपने जरूर सुना होगा। प्रेस्टीज प्रेशर कुकर की एक बहुत अच्छी लाइन है कि जो करते हैं अपनी बीवी से प्यार, वो कैसे करेंगे प्रेस्टीज प्रेशर कुकर से इनकार। याद आया आपको कुछ? ये टीटी के इंडस्ट्रीज के प्रेस्टीज प्रेशर कुकर की केस स्टडी है, जिसमें जो ओनर थे वो जब दुनिया में नहीं रहे तो कंपनी पर भयंकर संकट आ गया, क्योंकि थिंक टैंक, एक व्यक्ति जो सोचता है और जो पूरी प्लानिंग करता है और स्ट्रैटेजीज बनाता है, वो अब उस कंपनी में नहीं रहा क्योंकि वो दुनिया से जा चुका है। क्या करा टीटी के इंडस्ट्रीज ने, यह जानना बहुत रोचक होगा। उनके बेटे ने स्ट्रैटेजिक हाइबरनेशन स्ट्रैटेजी अपनाई, जो इस समय पूरी दुनिया के लिए एक कारगर रणनीति साबित हो सकती है। उन्होंने कुछ महीनों के लिए स्वयं को पूरे तरीके से किचन में लॉक कर लिया। अब किचन में क्यों लॉक करा? किचन में इसलिए लॉक करा दोस्तों, क्योंकि टीटी के इंडस्ट्रीज का मेन प्रोडक्ट प्रेशर कुकर किचन का प्रोडक्ट था। तो वो जब पीछे हटे और कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने को किचन में लॉक कर लिया, तो वहां पर रहकर उन्होंने महिलाओं को किचन में जो समस्याएं आती है उसको समझने में वक्त दिया और जानने की कोशिश करी कि हमारा एक प्रोडक्ट प्रेशर कुकर के अलावा और कौन से प्रोडक्ट हैं जो किचन में काम आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने खुद को पीछे लेकर कुछ समय बिताया और जानने की कोशिश करी कि क्या नया किया जा सकता है। एंड बिलीव मी दोस्तों, जब वो उस समय वहां रहे, वो खुद से मुलाकात करते रहे, वो 24 आवर्स उस एनवायरमेंट में रहे जहां उनका दिमाग 24 घंटे ये सोचने पर था कि और ऐसे कौन से नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जो विमेन का किचन में एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करेंगे और लाइफ को बेटर बनाएंगे। और देखिए, आभा मंडल भी बहुत मायने रखता है। जब आप खुद से मुलाकात करते हैं, तब आप स्वयं के बारे में बहुत सारी बातें जानने की असीम संभावनाओं को तलाशने का काम शुरू कर देते हैं। उन्होंने यही करा। फिर जब वो किचन से बाहर आए और उनके पास में इतने बहुत सारे प्रोडक्ट थे जिन प्रोडक्ट को लेकर वो टीटी के इंडस्ट्रीज को नए मुकाम पर ले गए। एक समय था दोस्तों जब 80% प्रॉफिट टीटी के इंडस्ट्रीज का सिर्फ प्रेशर कुकर से आता था। आज वो समय है कि जब टीटी के इंडस्ट्रीज के प्रेशर कुकर से प्रॉफिट आना बंद हो गए और उस समय उन्होंने स्ट्रैटेजिक हाइबरनेशन नहीं करा होता, तो आज इतने सारे प्रोडक्ट टीटी के इंडस्ट्रीज के नहीं होते जो किचन के अप्लायंसेस के रूप में आज मेजर मार्केट शेयर होल्ड कर चुके हैं। प्रेशर कुकर का मार्केट शेयर कम हो गया, पर वो स्ट्रैटेजिक
स्ट्रेटेजिक हाइबरनेशन के दौरान जो प्रोडक्ट्स बनाए गए थे वो आज बाजार में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या सीखा है इस केस स्टडी से? बहुत सिंपल, कुछ समय चाहिए खुद के लिए पीछे हटने के लिए, और उस समय में हम अपने आप को रीइन्वेंट भी कर सकते हैं और नई नई चीजें सीख सकते हैं जिससे सही समय आने पर हम उसका उपयोग कर सकें। स्टीव जॉब्स भी बोलते थे कि एप्पल का जो डिजाइन है, एप्पल आईफोन का जो डिजाइन है, वो डिजाइन मैंने तब सीखा जब मैं कुछ नहीं करता था, जब मैं सिर्फ ड्राइंग करता था, तो मुझसे उस समय का उपयोग अब समझ में आया। स्टीव जॉब्स ये भी बोलते थे कि जीवन में भविष्य में जो होता है वो हमको तब समझ में नहीं होता आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर पीछे मुड़ के दोस्तों जब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, जब जीवन की घटनाओं को जोड़ते हैं, तो हमें लगता है कि आज जो भी हम हैं उसके पीछे जो पुरानी इवेंट्स हैं, जो पुरानी घटनाएं हैं, उन सबका बड़ा योगदान है। तो दोस्तों क्यों ना इस समय को, जो पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, हम अपने आप को स्ट्रैटेजिकली पीछे हटा लें और इससे हम अपने आप को और अपलिफ्ट करके और तंदुरुस्त बना के और मजबूत बना के और क्रिएटिव होकर हम अपने आप को फिर से दोबारा प्रस्तुत करेंगे। लेट्स टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वर्जन 2 ऑफ आवर सेल्फ, हम स्वयं का वर्जन 2 लेकर आए। मैं जापान की एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। जापान इसलिए बोल रहा हूं मैं दोस्तों क्योंकि ये देश बहुत बार बिगड़ा पर उतनी ही बार ये दोबारा से बनकर दुनिया में वापस आया। डू यू नो फ्रेंड्स, जापान में कोई एमबीए स्कूल नहीं है, क्यों नहीं है? इतना तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश और एमबीए स्कूल क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है एमबीए स्कूल क्योंकि वहां पर बच्चे अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, कोई मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन या कोई मैनेजमेंट की डिग्री उन्हें मैनेजमेंट नहीं सिखा सकती, दे लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो ये बहुत अच्छा समय है, हम घर में जब हैं तो हम अपने पेरेंट्स से सीखें, पापा से उनके अनुभव के बारे में जानें, मम्मी से उनके संघर्षों के बारे में सीखें, छोटा भाई उससे भी कोई ना कोई बात हमको सीखने को मिल सकती है। हमने समय ही कहाँ बिताया, लंबे समय से परिवार के साथ समय ही कहाँ बिताया, तो क्या ये एक अवसर नहीं है? और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? अब आप यूं मत बोलना, सर हम क्वालिटी टाइम तो रोज स्पेंड करते हैं, हम घर में सब साथ बैठकर टीवी देखते हैं। दोस्तों दिस इज नॉट अ क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम उसको बोलते हैं जब कोई पुराना किस्सा लेकर पापा की हमने टांग खींची और सब लोग ठहाके मार के हंसे और फिर कोई ऐसी बात निकल कर आ गई जिससे हंसते हंसते आंखों में आंसू तक आ गए, उसको क्वालिटी टाइम बोलते हैं। क्वालिटी टाइम उसको बोलते हैं जब माँ की गोद में सर रखकर हमने बोला कि मम्मा बहुत दिनों से आपने सर पर तेल मालिश नहीं करी, एक बार वो कर दो, क्वालिटी टाइम उसको बोलते हैं। क्वालिटी टाइम उसको बोलते हैं जब छोटी बेटी को हम उसके साथ बैठे और उसके ड्राइंग बनाने में मदद करें, क्वालिटी टाइम उसको बोलते हैं। क्वालिटी टाइम उसको बोलते हैं जब बेटे से पूछा कि क्यों यार आजकल गुमसुम रहता है, क्या तेरी गर्लफ्रेंड का फोन नहीं आता, चल मैं तेरे को बताता हूं कि मम्मी को मैंने सबसे पहले प्रपोज कैसे किया था। ये क्वालिटी टाइम है। क्वालिटी टाइम ये नहीं है कि हम सिर्फ साथ में बैठकर टीवी देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा समय है खुद को जानने का, खुद को तराशने का, खुद को पहचानने का और खुद को और अच्छे वर्जन में दुनिया के सामने लाने का। जापानीज एक और काम करते हैं, इसे बोलते हैं इकीगाई, जापानीज फिलोसॉफी इकीगाई। इकीगाई का मतलब है सुबह उठने का, बिस्तर से कूदने का आपके पास एक मजबूत कारण होना चाहिए, जीने की एक वजह होनी चाहिए, कोई एक काम होना चाहिए जिसको करने में आपको आनंद आए, जिस काम को करने में समय का पता ना चले, जिस काम को करने में आप खुद को ईश्वर के साथ एक तालमेल में पाए। इकीगाई फिलोसॉफी ऑफ जापानीज मैनेजमेंट। So let us take this time as an opportunity to understand and evaluate our true potentials. अपने सही potentials का evaluation करें और हो सकता है हम कुछ ऐसी सुप्त ऊर्जाओं को जगाने में कामयाब हो जाएं जो हमें अपने बारे में नहीं पता थी। And what rightly said by Swami Vivekanand and even Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte जब युद्ध में जाते थे और अपनी रणनीति बनाते थे तो वो बोलते थे कि if you do not spend time with yourself every day, you miss an opportunity of meeting the best man in the world. अगर आप खुद के साथ स्वयं दिन भर में कुछ समय नहीं बिताते हैं तो आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के साथ मिलने का मौका रोज खो देते हैं। तो आइए दोस्तों, ये समय है खुद से मिलने का,
ये समय है खुद को पहचानने का, ये समय है अपनी सुप्त ऊर्जाओं को जगाने का, ये समय है थोड़ा सा मेडिटेशन में जाने का, ये समय है अपना स्वॉट एनालिसिस करने का कि क्या स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट है, ये समय है अपनों के साथ वक्त बिताने का और उनको एहसास दिलाने का कि हाँ हम उनके लिए हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस, थैंक यू, बाय बाय।